ओम शांति मीठे प्यारे बाबा जब से मिले हैं हमको तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जैसे कि हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा बाबा ने ऐसे हमको ज्ञान में आने के बाद ऐसी शक्ति भरी कि हम अपने आप को जैसे उड़ाते ही जा रहे हैं बाबा ने ऐसे हमको कहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि हम बंगलौर में जाएंगे वहाँ हमको ज्ञान मिलेगा हम तो वैसे छुट्टियाँ काटने बच्चों के पास गए थे तो वहाँ हमें सेंटर पास में ही था तो गुड़िया हमें वहाँ ले गई वहाँ हमने ज्ञान शिव बाबा का लिया केवल चार साल हो गए फिर हमने इधर से आके पठानकोट सेंटर ढूंढा तो सेंटर में हमने रोज़ दीदी ने हमें बताया कि आप रोज़ क्लास किया करो तो रोज़ तो हम दूर से आते थे रोज़ तो आ नहीं पाते थे तो केवल वीरवार और संडे को ही आ पाते थे तो जैसे पहले इतना कि जब भी कभी कोई परेशानी होती थी तो ऐसे पढ़े रहते थे निराश ही निराश तो जब से बाबा हमें मिले तब से हम सारी परेशानियों को बाबा ने हमको हल करने का तरीका बता दिया तो ऐसे हम ज्ञान में आने के बाद बाबा से जुड़े जैसे बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा तो कोई मुश्किल अब हमें नहीं महसूस होती कोई भी परेशानी आए तो हम बाबा का नाम लेके बस बाबा के, के सहारे ही चलते रहते हैं बाबा इतनी शक्ति बरता है इतनी शक्ति बरता है कि कोई चाहे शरीर में ऐसे महसूस भी हो कि कोई तकलीफ़ है तो उसका भी भूल जाता है बाबा से मिलने के बाद तो हमें हमारी ज़िंदगी भी बदल गई है चाहे हमारे घर में कोई भी कुछ बोलता रहे कि ऐसे नहीं ऐसे बाबा के बारे में चाहे बोले भी कोई कुछ तो हम उसकी परवाह नहीं करते जैसे बाबा बोलते हैं बच्चे आप हिम्मत रखो तो मैं आपकी मदद हजार कदम आगे आपको ले जाऊंगा आप एक कदम आगे रखो तो ऐसे हम किसी की परवाह नहीं अब करते चाहे कोई कुछ बोलता भी रहे तो हम बाबा के भरोसे ही चलते रहते हैं कि बाबा आप ही हमारे साथ हो ऐसे बाबा ने हमारा साथ इतना दे रहा कि बाबा हम किसी को भी बता नहीं सकते ऐसे शिव बाबा हमें ज़िंदगी में ऐसे उड़ा रहे हैं कि जैसे हमें पंख दे दिए हो मीठे प्यारे बाबा का हम कितना भी शुक्रिया करें वो भी कम है शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति ओम शांति